अरे बहू जी। मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। हाँ ठीक है, मैं धो दूंगी। क्या धो देंगी, कपड़े या? मैं ही धो देती हूँ, रेस्क्यू लेना। पहले का आदमी पूरे 100 साल जीता था, और आज का आदमी पूरा सो नहीं पाता। नहीं लेकिन सोचो तो, ऐसा क्या था कि पहले का आदमी 100 साल जीता था? पहले हवा कम प्रदूषित थी, खाना कम मिलावटी था, और औरतें कम बोलती थी। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एडमिशन लिया है यहाँ पे। आपकी रैगिंग तो कर सकते हैं ना। शट अप शुभम। एक्सक्यूज मी बट यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। टीचर ही हूँ मैं, खड़े रहो। सॉरी मैम। नेम? शुभम। रोल नंबर? नहीं पता। तो ऑफिस में जाके पता लगाओ क्विकली। एक्चुअली स्टूडेंट ही हूँ मैं। बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह कह के बुलावे, और मेरे वाला? अरे काम नहीं है। अरे नहीं मरूंगा। अरे सुनो, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस बार हम कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा था एक ही परिवार पे बोझ नहीं बनते हैं। तुम अपने मायके चली जाओ, बच्चों को उनके नानी के घर भेज देता हूँ, और मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? शादी से पहले आप मेरे लिए कितना कुछ करते थे, मुझे रेस्टोरेंट ले जाते थे, पिक्चर दिखाते थे, गिफ्ट्स लेके देते थे, अब क्यों नहीं देते? अरे पगली, कभी सुना है कि मछली पकड़ने के बाद मछेरा उसे चारा खिलाता है? दोस्तों आजकल मेरे पति को कविताएं लिखने का शौक चढ़ा है। मैंने उनको कहा इतनी सारी कविताएं लिखते हो, 2-4 लाइनें मुझ पे भी लिख दो, तो उन्होंने 4 लाइनें मुझ पे लिखी हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय। मैं सीधा सा पीपल का पेड़, तुम उस पे लटकी चुड़ैल प्रिय। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूं, ठीक है? मैंने कहा जी। बचे हुए बाकी पैसे लाओ। 380, 480, ये 20 रुपए कम क्यों है इसमें? वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 15 रुपए की बिरयानी खा ली और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली। मैं इतनी भी पागल हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ। ये 15 रुपए की बिरयानी और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलती है? वो मेरे दोस्त की एक नए होटल पे जॉब लगी है तो वहीं मैंने खा ली। उस होटल के मालिक से मेरी बात कराओ जरा। वो तो मेरे दोस्त की बीवी के साथ बिजी है। वो तुम्हारे दोस्त की बीवी के साथ क्या कर रहा है? वही जो मेरा दोस्त उसके होटल के साथ कर रहा है। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त ना।